तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। राजपथ क्लब के प्रेसिडेंट माननीय श्री परेश भाई दानी, ऑनररी सेक्रेटरी राजपथ क्लब श्री जेबी पटेल साहब, श्री डॉक्टर विक्रम भाई शाह, ऑनरेबल जॉइंट सेक्रेटरी श्री भूपेंद्र भाई पटेल और समग्र बोर्ड मेंबर की ओर से आज की इस संगीत की बरसात सुनने के लिए जो श्रोता पधारे हैं उनका हार्दिक स्वागत है। शंकर जयकिशन फाउंडेशन के श्री स्नेहल पटेल, श्री चिराग पटेल, श्री संजय कंथारिया, श्री दक्षेश त्रिवेदी और श्री केयूर पटेल की ओर से भी आप सबका हार्दिक स्वागत है। और प्रसंग की ओर से केयूर पटेल आप सबका स्वागत करते हैं। चंद ही लम्हों में हम शंकर जयकिशन के संगीत की बरसात का ये लम्हा जिसे आप सुनने के लिए सभी बेकरार है, यहाँ केवल 5 मिनट बाद शुरू होगा। शंकर जयकिशन और उनके जीवन की बहुत सारी खूबियों को साथ समेट कर ऐतिहासिक नगरी अहमदाबाद के सभी संगीत श्रोताओं का मैं स्वागत करता हूं और आपको इस बात की गवाही देता हूं कि ये लम्हा जिसे आप सुनने जा रहे हैं वो संगीत के साथ जुड़े हुए जितने भी पल हैं इस अहमदाबाद शहर में, उन सब में आपके दिलों पर हमेशा एक गर्व करने जैसी बात होगा। हमारे कुछ और श्रोता अभी भी आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि जितना ग्रैंड शो हम सब लोगों ने, जो अहमदाबाद के इतिहास में पहली बार हो रहा है इतने बड़े पैमाने पर, उसे आप जो हैं वो शुरुआत से देखें। और यही वजह है कि केवल 5 मिनट के अंतराल के बाद ही तुरंत हम इस शो को आप सबके लिए शुरू करेंगे। हमारे कुछ और श्रोता जो संगीत को सुनने के लिए बेकरार हैं और धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप कृपया जल्द से जल्द विराजमान हो जाएं। और आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि चंद लम्हों के लिए आप अपने दिल में बसी हुई बेकरारी को काबू में रखें। एक छोटे से 5 मिनट के अंतराल के बाद संगीत का ये प्रवाह आपके दिलों पर दस्तक देने के लिए तैयार होगा और बारी बारी शंकर जयकिशन की यादों को उजागर करेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर आप सबके जोरदार तालियों के संग यहाँ आमंत्रित करने जा रहा हूँ राजपथ क्लब के प्रेसिडेंट माननीय श्री परेश भाई दानी और ऑनररी सेक्रेटरी राजपथ क्लब श्री जेबी पटेल साहब को, और उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ उपस्थित आज के हमारे प्रमुख अतिथि DCP Zone 1 माननीय श्री संदीप सिंह साहब को
सम्मान के साथ मंच पर लेकर आए। जी हाँ, अभी अभी मुझे ये भी जानकारी मिली है कि हमारे माननीय मेयर साहब यानी कि आसिद भाई वोरा भी यहाँ पर पधारे हैं। आपसे भी गुजारिश है, कृपया आप मंच की ओर पधारे प्लीज। साथ ही साथ मैं इनके साथ ज्वाइन करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स क्लब माननीय श्री कमल भाई सेठ को कि कृपया आप भी मंच पर ज्वाइन करें। श्री ज्वाइंट सेक्रेटरी राजपथ क्लब श्री भूपेंद्र भाई पटेल, इनसे भी गुजारिश है कृपया आप मंच की ओर पधारें। वाइस प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स क्लब श्री एन के पटेल, इनसे भी गुजारिश है कृपया आप मंच की ओर पधारें। बोर्ड मेंबर राजपथ क्लब माननीय श्री स्नेहल पटेल, इनसे भी गुजारिश है कृपया आप मंच की ओर पधारें। प्रसंग ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर केयूर पटेल, इनसे भी गुजारिश है कृपया आप मंच की ओर पधारें। बोर्ड मेंबर स्पोर्ट्स क्लब श्री चिराग पटेल, इनसे भी गुजारिश है कृपया आप मंच की ओर पधारें। और बोर्ड मेंबर राजपथ क्लब डॉक्टर जयंत पटेल, इनसे भी गुजारिश है कृपया आप मंच पर पधारें। आइए सर, प्लीज प्लीज, गॉड इज ग्रेट, आइए प्लीज। जोरदार तालियां आप सबकी। हमारे प्रमुख अतिथि यहां पर पधार चुके हैं। सबसे पहले मैं यहां पर तहदिल से स्वागत करता हूं और विनती करता हूं प्रेसिडेंट श्री परेश भाई दानी राजपथ क्लब इनसे के आप हमारे मेयर साहब माननीय श्री असित भाई होरा को फूलों से सम्मानित करें और उनका स्वागत करें। अब की बार मैं यहां पर नम्र निवेदन करता हूं ऑनररी सेक्रेटरी राजपथ क्लब माननीय श्री जेबी पटेल साहब को कि कृपया आज के जो हमारे प्रमुख अतिथि हैं डीसीपी जोन वन माननीय श्री संदीप सिंह साहब को फूलों से सम्मानित करें और उनका स्वागत करें। अब की बार मैं प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स क्लब माननीय श्री कमल भाई सेठ इनसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे इस ग्रुप के इन म्यूजिकल ग्रुप के जो इवेंट कोऑर्डिनेटर हैं हेमंत कुमार महाले, इन्हें फूलों से सम्मानित करें और उनका स्वागत और सम्मान करें प्लीज। मैनेजिंग डायरेक्टर प्रसंग ग्रुप केयूर पटेल, इनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप आज के इस कार्यक्रम के म्यूजिक अरेंजर अरविंद हसबनी साहब को फूलों से सम्मानित करें प्लीज। एक बहुत बड़ा काम, 62 म्यूजिशियंस को साथ लेकर। स्पोर्ट्स क्लब के प्रमुख कमल भाई सेठ, इनके हाथों से मेयर साहब को एक और सम्मान का बुके दिया जा रहा है, वो कृपया उसका स्वीकार करें। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म संगीत के इतिहास में 188 फिल्मों को संगीत देकर अपनी योग्यता से, अपनी सोच से, अपनी कल्पनाओं से और साथ ही साथ अपनी संगीत में लहरों से दिलो दिमाग पर राज करने वाले शंकर जयकिशन को सलाम करते हुए आज की इस महफिल खास में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का ये संगीत में प्रभात आप सबके लिए शंकर जयकिशन की कई सारी खूबियों को पेश करने के लिए तैयार हैं और बारी बारी इसमें मुंबई शहर से आए हुए दिग्गज कलाकार और आज का ये पूरा कलाकारों का जो कारवा है वो आप सबके लिए इन खूबियों को पेश करने के लिए तैयार है। हम तहे दिल से स्वागत करते हैं डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर एमसी पटेल साहब का, वो आज यहाँ पर पधारे हैं। शुक्रिया, आप सबका स्वागत है। फिल्म संगीत में इस पूरे संगीत में दौर के पितामह भीष्म जिन्हें कहा जाता है अनिल विश्वास साहब, इनका ये कहना है कि हम अपनी खूबियों के साथ यानी कि लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत के आधार पर चल रहे थे
कि अचानक सन 1949 में एक ऐसी बरसात आई जो आज तक बरस रही है। ये बरसात थी शंकर जयकिशन के संगीत की। लगातार सफलता पाना मानो उनकी आदत थी, और यही वजह है कि 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड को उन्होंने जीता और अपनी काबिलियत को साबित किया। और यही वजह है कि आज अहमदाबाद शहर में इतने बड़े पैमाने पर आप सबके साथ शंकर जयकिशन की इन यादों को ताज़ा किया जा रहा है, ये कहते हुए कि वो अपने क्षेत्र में संगीत के इस प्रवाह में कितने जीनियस थे। तो आइए, आप सबके लिए इस महफिल खास की पहली रचना को यहाँ पेश किया जा रहा है। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं पहले प्लेबैक सिंगर सुरजो भट्टाचार्य। आप सबके लिए यहां पर पधारे हैं, प्लीज वेलकम विद बिग हैंड्स, जो इस पहली रचना को पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम भारतीय संस्कृति को आंखों के सामने रखकर, जिस तरह कहते हैं कि हर कार्य की शुरुआत में प्रथमेश भगवान श्री गणेश को याद किया जाता है, उस तरह हम प्रथमेश भगवान श्री गणेश को याद करते हैं, क्योंकि उन्हें याद कर ये कार्य सिद्धि की ओर जाएगा, ऐसी हर एक हिंदुस्तानी की धारणा है। स्वस्ति श्री शरीर नष्ट हो जाते हैं, आत्माएं अमर हो जाती है, लेकिन यादें हमेशा साथ रहती है। ये यादें ही हैं जो एक कलाकार को श्रोता से मिलाती है, वो यादें ही होती हैं जिससे एक कलाकार और श्रोता का संबंध बनता है, और वो यादें ही होती हैं जिसे सुनने के लिए आप आते हैं और कलाकार आपके दिलों पर एक छोटी सी छाप छोड़ जाते हैं। इस महफिल खास में जिस पहले गायक को मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ, उसने अपने जीवन काल में संगीतकार अजय चक्रवर्ती, गायक कलाकार और हम सबके दिलों पर राज करने वाले मन्ना दा तथा कई सारे दिग्गज संगीतकारों के संग काम करते हुए, कई सारे संगीतकारों की रचनाओं को गाते हुए अपनी योग्यता को साबित किया है। संगीतकार A.R. रहमान की रचना को भी गाने का सौभाग्य आपने अपने जीवन काल में प्राप्त किया है। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लेबैक सिंगर सुरजो भट्टाचार्य को मैं इस महफिल खास में आमंत्रित करता हूँ, और वो पहली रचना फिल्म सीमा से शैलेंद्र जी की लिखी हुई, मन्ना दा की गाई हुई, आपके लिए पेश करेंगे। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद
बादल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही इसे समझा, अब तू ही इसे समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे, कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। अपने संघर्ष के दिनों में शंकर ने एक बड़े संगीतकार के पास एक नई नवेली गायिका को अपनी आवाज सुनाते हुए देखा। उस संगीतकार ने शायद उसे काम दिया या नहीं दिया, इस पर तो ध्यान नहीं था, लेकिन शंकर ने दूर रहकर ही ये तो तय जरूर कर लिया कि जब उन्हें कोई फिल्म मिलेगी तो उस फिल्म में वो इस गायिका से एक गाना तो जरूर गवाएंगे। इस आवाज से शंकर इतने प्रेरित हुए या फिर इतने प्रभावित थे कि जैसे ही उनको फिल्म बरसात मिली, उन्होंने राज कपूर से रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं कि हमारा पहला गाना ये गायिका गाए। ये आवाज में जब ये गीत रिकॉर्ड हुआ तो वो राज कपूर को भी इतना पसंद आया कि उसके बाद एक और गाना, उसके बाद एक और गाना, उसके बाद एक और गाना, ऐसा करते करते बरसात के 11 में से 10 गीतों में इस गायिका की आवाज सुनाई दी। और वो गायिका कोई और नहीं थी, वो थी लता मंगेशकर। शंकर जयकिशन के संगीत में दौर में लता जी के गाए हुए गीतों का योगदान सबसे ज्यादा है। 125 फिल्मों के लिए 469 गीत लता जी ने शंकर जयकिशन के संगीत में गाए हैं और ये संख्या सब गायक गायिकाओं में सबसे ज्यादा है। इतना प्यार था शंकर जयकिशन को अपनी रचनाओं को लता जी के आवाज में रिकॉर्ड करने में कि कुछ फिल्मों के नाम मैं यहाँ पे लेता हूँ जहाँ पर हर गीत में लता मंगेशकर की आवाज सुनाई देती ही है। मयूरपंख, पूनम, आम्रपाली, पटरानी, इन फिल्मों में लता जी की आवाज सभी गीतों में थी। लेकिन एक फिल्म तो ऐसी थी कि जिस फिल्म में लता जी के गाए हुए 9 सोलो सॉन्ग थे, दूसरा वॉइस ही नहीं था, और वो फिल्म का नाम था औरत। इस तरह लता जी और शंकर जयकिशन का मेल अपने जीवन काल में रहा है। उसी से प्रेरित होकर
शंकर जयकिशन की उसी शुरुआती दौर से जहां से उनका परिचय सही मायने से हम श्रोताओं को हुआ है, बरसात से उनकी पहली फिल्म से ये पहली रचना आपके लिए पेश की जा रही है। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ एक और प्लेबैक सिंगर आपके सामने यहां पर आने के लिए तैयार हैं। प्लीज वेलकम सुप्रिया जोशी। जयमाला कार्यक्रम के दौरान ओपी नैयर साहब ने एक प्यारा सा स्टेटमेंट किया था। वो कहते हैं कि ये सच है कि अपनी जिंदगी पानी पर लिखी हुई एक कहानी है, एक झोंका है, लेकिन ऐसे में जो फूल की तरह मुस्कुराकर अपनी महक और खुशबू लुटाकर चला जाए वो एक याद की तरह जिंदा रहता है। संगीतकार शंकर जयकिशन और गायक मोहम्मद रफी फूलों की तरह खिले और दुनिया के चमन में अपनी खुशबू छोड़कर चले गए। जब भी सोचता हूँ इन दोनों के बारे में तो अक्सर ऐसा ही लगता है कि खुदा ने कितनी योग्यता बरती थी इन दोनों को कि उन्होंने हर एक के दिलों पर राज किया है। जब भी सोचता हूँ इनके मेल के बारे में तो अक्सर ऐसा ही लगता है कि इतनी सारी लगातार सफलताएं कैसे कोई संगीतकार पा सकता है। और यही सबसे बड़ी सफलता का कारण था कि शंकर जयकिशन ने हर कदम पर लगातार सफलता को अर्जित किया है। मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये प्यारा सा गीत अब की बार इस महफिल खास में आप सबके लिए पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है राजकुमार, शैलेंद्र की लिखाई
और इस गीत को पेश कर रहे हैं एक और बेहतरीन आवाज के मालिक, प्लीज वेलकम विद बिग हैंड्स, पहली बार आप सबके सामने विश्वनाथ भटुंगे साहब। होशियार जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। हाय हाय, आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। जाने वाले अमरीकी अंदाज भी सीखे हम यारब के राज भी सीखे, अमरीकी अंदाज भी सीखे हम यारब के राज भी सीखे। हमसे जो बाजी लेकर जाए है कोई ऐसा सामने आए, है कोई ऐसा सामने आए। सारी दुनिया में अपनी जयकार, यहाँ के हम है राजकुमार। हाय हाय, आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम है राजकुमार। होय होय जाने वाले हमसे मोहब्बत हमसे जवानी रंग भरी है अपनी कहानी, हमसे मोहब्बत हमसे जवानी रंग भरी है अपनी कहानी। सीने में लेकर अरमा भरा दिल ढूंढ रहे हैं प्यार की मंजिल, ढूंढ रहे हैं प्यार की मंजिल। मेरे लिए है वो बेकरार, यहाँ के हम है राजकुमार। जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम है राजकुमार। होय होय, आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम है राजकुमार। होय होय जाने वाले। अपनी काबिलियत से अपनी धुनों से शंकर जयकिशन ने कुछ इस तरह ही राज किया है कि हर एक रचना मानो दिलों पर राज करने के लिए ही बनी। लेकिन इतना सब कुछ करने वाले शंकर जयकिशन पहली बार कैसे मिले होंगे, कहाँ मिले होंगे और कैसी उनकी पहली मुलाकात रही होगी, कहाँ पे उनकी दोस्ती हुई होगी, ऐसा सवाल तो हर एक के मन में आता है। सुना गया है कि पृथ्वी थिएटर्स को ज्वाइन करने के बाद शंकर जी हैदराबाद से मुंबई आ चुके थे और परिवार का सारा बोझ अपने पर गिरने की वजह से जयकिशन जी अपनी बहन के घर मुंबई पहुंचे थे और छोटी सी नौकरी कहीं पर मजबूरन कर रहे थे। उन्हीं दिनों गुजरात के मशहूर नाटककार चंद्रबदन भट्ट साहब एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे और उस सिलसिले में शंकर उनके पास उन्हें मिलने के लिए आए थे।
गुजरात के ही एक दोस्त ने जय किशन को रिकमेंड किया था भट्ट साहब को, और उनसे मिलने के लिए जय किशन उनके वेटिंग रूम में उनका इंतजार कर रहे थे। ये वो समय था कि उस वक्त वेटिंग रूम में बैठे बैठे ये दो कलाकार एक दूसरे से मिले। शंकर जी को ये पता चला कि जय किशन अपने दिल के विरुद्ध जाकर जो है वो कहीं पर मजबूरन कोई नौकरी कर रहा है, और वो एक बहुत अच्छा हारमोनियम प्लेयर है। उसी वक्त शंकर ने उनसे ये कहा कि मैं देखता हूँ पृथ्वी थिएटर्स में शायद कोई हारमोनियम बजाने वाले की जगह खाली है, अगर वहाँ पे तुम्हारा काम बन जाता है तो ज़रूर आप हमारे साथ काम कीजिए। और हुआ ऐसा ही। इसी तरह शंकर ने रेकमेंड करने पर पृथ्वी थिएटर्स में जय किशन भी ज्वाइन हुए और ये दोस्ती वहीं से शुरू हुई। शंकर जय किशन ने बाद में हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह इतिहास बनाया। ऐसे कई सारे राज हम आपके साथ में खोलेंगे, लेकिन अब की बार एक और गाना यहाँ पर सुनते हैं, शैलेंद्र की लिखाई, विश्वनाथ फिर एक बार आप सबके सामने, रफी साहब के इस गीत को लेकर, फिल्म का नाम अप्रैल फूल, आइए सुनते हैं। गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास आ हो गले लग जा आबाद है तू मेरी धड़कनों में मेरी जान तुझ में बसी है, बादल से जो आस है मोर तो मेरे दिल को वो तुझसे लगी है, एक तेरी मुस्कान अंगड़ाई लेती हुई मेरी तकदीर जागे, एक तेरी झलकी चली आए पल में मेरी मंजिल मेरे आगे, गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास हो गले लग जा आजमा तू मेरे प्यार को खेल मत यूं मेरी जिंदगी से, उल्फत के मारो को क्या मारना जान दे देते हैं जो खुशी से, ये हुस्न जिसको मिले जान जा बेदिल उसको सचती नहीं है, वो खूब रू चांद से जो हंसे बेरुखी उसकी चट्टी नहीं है, गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास चले लग जा। थैंक यू।
कहते हैं ना कि समय से पहले इंसान को कुछ नहीं मिलता, और ऐसा ही हुआ शंकर जयकिशन के साथ। बड़ी मेहनत से पृथ्वी थिएटर्स के साथ काम करने वाले शंकर जयकिशन अब की बार आर के बैनर की पहली फिल्म आग के लिए साजिंदों की भूमिका निभा चुके थे। हमेशा नई नई खोजों को वो खोजते रहते थे, सोचते रहते थे, और ये भी प्रयास करते थे कि राज कपूर कभी उनकी भी रचनाओं को सुने। राज जी से वो हमेशा कहते कि राज जी हमने कुछ बनाया है, कुछ सुनिए। राज जी कहते आप बनाते रहिए, एक दिन जरूर सुनूंगा। एक दिन पृथ्वी थिएटर्स जो है वो पूना आया। समय का फायदा उठाकर शंकर जयकिशन ने कहा कि आज तो राज कपूर को धुन सुना के ही रहेंगे। सुबह ही उन्होंने रिक्वेस्ट की कि राज जी आज कुछ बैठते हैं, हम आपको सुनाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा कह के राज कपूर ने हाँ कह दी। उसी दिन पहले कुछ काल्पनिक शब्दों के साथ में शंकर जयकिशन ने एक गाना उन्हें राज कपूर को सुनाया। वो था अंबुआ का पेड़ है ढाई मुंडेर है, आजा मोरे बाल में आप काहे की देर। धुन इतनी सरल और प्यारी थी कि सुनते ही राज कपूर के दिल को भा गई, और उसी वक्त राज कपूर ने फैसला कर लिया कि क्यों ना मैं इन दोनों को संगीतकार बना दूं। उसी शब्दों पर आधारित गीत बना जिया बेकरार है छाई बहार है आजा मोरे बालमा तुम्हारा इंतजार है। लेकिन ये गाना अभी नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा था। बहुत ही प्यारी सी रचनाओं के संग ये कारवा शुरू हुआ, और फिर उसके बाद राज कपूर की कई सारी फिल्मों में शंकर जयकिशन के बेहतरीन गीतों को हमने सुना। बरसात का संगीत आया, लोगों पर छाता चला गया, और फिर उसके बाद शंकर जयकिशन ने अपनी एक खास पहचान बनाई। इस दौरान भी राज कपूर के अलावा भी कई सारे बड़ी बड़ी फिल्मों में अपनी कल्पनाओं को शंकर जयकिशन ने हकीकत का रूप दिया, और वो फिल्मों का संगीत भी बहुत ज़्यादा मशहूर रहा। ऐसी ही एक लाजवाब फिल्म जिसका नाम है आम्रपाली, इससे अगली रचना आपके लिए पेश की जा रही है। शैलेंद्र की लिखाई, लता जी की आवाज़, और इस महफिल खास में फिल्म तुम बिन की प्लेबैक सिंगर, आप सबकी तालियों की हकदार। प्लीज़ वेलकम विद बिग हैंड्स शैलजा सुब्रमण्यम। जाओ रे जो भी तुम जाओ रे ये प्रेम
धुनों में मेलोडी और रिदम का सही मेल रखने वाले शंकर जयकिशन की एक और खूबी है, और वो खूबी ये है कि उन्होंने अपने हर एक गीत को सही गायिका या सही गायक से गवाया है। बहुत ही कल्पकता से उन्होंने अपने सिंगर्स का चयन किया है, या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं कि शंकर जयकिशन ने धुन बनाते ही ये फैसला कर लिया कि ये गाना उन्हें किस से गवाना है। फिल्मों के किरदार, उस कहानी में आने वाला हर एक बहाव, उस हीरो की इमेज और उसके साथ आने वाले सारे बदलाव को शंकर जयकिशन ने अपनी कल्पनाओं से साकार किया है। वो इस तरह किया है कि बिल्कुल उसकी इमेज को कहीं पर भी उन्होंने ठोस नहीं पहुंचने दी और अपनी खूबियों को भी जमाने के सामने रखा। वैसे देखा जाए तो कई सारे ऐसे गायक हैं जिनकी रचनाओं के द्वारा, जिनकी आवाज के जरिए हम सब लोगों ने शंकर जयकिशन की खूबियों को जाना है। तलत महमूद, मन्ना दा, और उन सब में एक नाम और भी आता है, जैसे मुकेश जी के कुछ गाने हमें याद आते हैं, रफ़ी साहब के याद आते हैं। एक और गायक हैं जिन्होंने 100 से भी अधिक गाने शंकर जयकिशन के लिए गाए हैं, और वो है किशोर कुमार साहब। संख्याएं ये बताती हैं कि 41 फिल्मों के लिए 105 गाने किशोर कुमार ने शंकर जयकिशन के लिए गाए हैं, जो संख्या बहुत बड़ी। आइए अब की बार उन्हीं 105 में से ये पहला गीत आपके लिए पेश करते हैं, और ये गीत हसरत जयपुरी साहब ने लिखा है। फिल्म का नाम है अंदाज, किशोर कुमार की ये आवाज, और आप सबकी जोरदार तालियों के साथ पहली बार इस महफिल में नीरज साहब इस गीत को पेश करने के लिए तैयार है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओ नेरी ओ नेरी ओ, ओ नेरी ओ नेरी ओ, आसमानों से बढ़ना है आगे, हर चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बोले बोले तो 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 हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिक 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 टो ओले ओले 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 टो। कुछ दिनों पहले एक बहुत ही प्यारे से विचार के साथ हमारी मुलाकात हुई, जिसमें यह कहा गया था कि जिंदगी की खूबसूरती यह नहीं कि आप कितने खुश हैं,
जिंदगी की खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि ये है कि दूसरे आपसे कितने खुश हैं। इस संसार की सबसे बड़ी बात यही है कि इंसान अगर इंसानियत का फर्ज सबसे पहले पूरा करे तो वो इनडायरेक्टली भगवान का काम करता है। और यही वजह है कि कई सारे ऐसे विचार हमें इस इंसानियत के पाठ पढ़ाते हुए नजर आते हैं। कहीं और दो लाइना मैंने पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि किसी की खुशी का हिस्सा मत बनो, किसी की खुशी का हिस्सा मत बनो, उसके खुशी का कारण बनो। किसी के दुख का हिस्सा बनो, उसके दुख का कारण मत बनो। इस संसार में कुछ गाने जब भी हम अपने जीवन काल के अलग अलग मोड़ पर सुनते हैं तो कुछ गाने हमें हंसाते हैं, जैसे कि ये गाना था, कुछ रुलाते हैं, कुछ बार बार सुनने को दिल करता है, कुछ गानों में रोमांस होता है, कुछ गानों में दुख होता है, और कुछ गाने इंसान को जीना सिखाते हैं। एक ऐसा ही गीत जिसमें शैलेंद्र की लाजवाब लिखाई है और ये लिखाई इंसान को जीना सिखाती है। मुकेश की ये वो आवाज़ है जो हर धड़कन के साथ चलती है और जिसे सुनने के बाद लोग अक्सर यही कहते हैं कि ये मेरी आवाज़ है। और इस आवाज़ को पेश करने के लिए पहले कलाकार आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं पहली बार। प्लीज़ वेलकम विद बिग हैंड मुख्तार शाह साहब, आपके लिए गाएंगे फिल्म अनाड़ी से जीवन की फिलॉसफी बताने वाला ये गाना कि इंसान को कैसे जीना चाहिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो दे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो दे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, चले बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का।
करके भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तुझे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। थैंक यू, शुक्रिया। शंकर जयकिशन की खूबियों और उनकी विविधताओं के बारे में जब भी बात की जाती है तब उनके शास्त्रीय संगीत के ज्ञान के बारे में भी बड़ी योग्यता के साथ बोला जाता है। संगीत समीक्षक ये भी कहते हैं कि शंकर जयकिशन ने अपनी धुनों में जिस तरह पाश्चिमात्य रिदम और उनकी मेलोडी को अपनाया है, उसी तरह हिंदुस्तानी टच वाले कई सारे गीतों से उन्होंने अपने शास्त्रीय संगीत के अभ्यास को भी जमाने के सामने रखा है। और यही वजह है कि खासकर भैरवी, यमन, शिवरंजनी इन जैसे मनपसंदीदा राग पर उन्होंने जहाँ पर काफ़ी सारी रचनाएं बनाई है, वहीं पर उन्होंने कुछ अलग अलग रागों को जोड़कर या फिर कभी कभी राग और जैज को एक साथ मिलाकर भी हिंदुस्तान में कई सारे आविष्कार पेश किए गए। फ्यूजन जिसे आज लोग कहते हैं, वो उस जमाने में ही, आज से करीबन 40-50 साल पहले ही शंकर जयकिशन ने जमाने के सामने रखा और वो कामयाब भी बनाया। शंकर जयकिशन अपनी सोच से शास्त्रीय संगीत के कई सारे आविष्कारों को जमाने के सामने पेश कर चुका है और फिल्म के कई सारे सिचुएशंस को हैंडल करते हुए कभी कभी तो इतनी कल्पकता से उन्होंने शास्त्रीय संगीत को अपनाया है कि हम सोचते ही रह गए कि ये किस तरह का गाना है। जी हाँ, अब की बार आप एक ऐसा ही गाना सुनने जा रहे हैं जहाँ पर फिल्म में तो ये कॉमेडी सॉन्ग है लेकिन फिल्म का ये गाना पूरी तरह शास्त्रीय राग पर आधारित है, उससे प्रेरणा पाकर बनाया गया है। आइए सुनते हैं इस महफिल खास की अगली रचना को जिसे मोहम्मद रफी साहब और सुमन कल्याणपुर ने गाया है। हसरत जी की ये लिखाई सांझ और सवेरा फिल्म का नाम है। विश्वनाथ जी और उनके साथ शैलजा इसे पेश करने के लिए तैयार। आइए सुनते हैं शंकर जयकिशन की एक क्लासिक कॉमेडी को अगली पायदान पर आप सबके लिए। द्वार नाए
बहुतों से मिलन की आस भी जाए बाहर खिले फुलवा आई बाहर खिले फुलवा मोरे सपने कौन सजाए हुन आए बालमा सावन बेता जाए हाय रे सावन बेता जाए को बधेरा गरबा लगाए चांद को बधेरा गरबा लगाए और भी मोरा मन ललचाए चांद को बधेरा गरबा लगाए और भी मोरा मन ललचाए हसीन गले लग जा यार हसीन गले लग जा यार हसीन गले लग जा मोरी उम्र गुजरती जाए हुन आए बालमा सावन बेता जाए हाय रे सावन बेता जाए हाय रे सावन बेता जाए। एक लाइन में अगर शंकर जयकिशन का गाना आप सबके सामने पेश करना है तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर शंकर जयकिशन के गीत का मुखड़ा आपको पसंद आ जाए तो यकीन मानिए अंतरा आपको घायल कर देगा, क्योंकि मुखड़े से अंतरे तक पहुंचने का म्यूजिक भी जब वो बनाते हैं तो वो इस तरह बनाते हैं कि उसका एक लम्हा भी आप उस गाने से निकाल नहीं सकते। ये सब कुछ खूबियां सुनने के बाद अक्सर ऐसा भी लगता है कि शंकर जयकिशन अपना गाना नहीं बनाते, वो उस गाने का हर एक पल बनाते हैं और ऐसा पल बनाते हैं कि वो कौन किसकी परछाई है ये पता ही नहीं चलता। एक ऐसा ही गाना अब की बार आप सब लोग यहां सुनने जा रहे हैं जिसका हर एक लम्हा यादगार भी है और बेहतरीन भी है। फिल्म का नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे कि कौन सा गाना है। इसीलिए कहता हूं कि शैलेंद्र की ये लिखाई है, सुप्रिया आपके लिए पेश कर रही हैं, लता जी की आवाज है और फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई। बेहतरीन कोरस और लाजवाब लता जी की आवाज और उतनी ही प्यारी सिचुएशन, हर एक पॉइंट अपनी जगह बेहतरीन। आइए महसूस करते हैं।
अगली रचना आपके लिए पेश करने से पहले एक और खूबी को आपके लिए पेश करते हैं, और वो खूबी ये है कि सही समय पर मन्ना दा की आवाज का इस्तेमाल अपने गीतों में करने वाले शंकर जयकिशन की इस कल्पकता को आपके लिए पेश किया जाता है। एक बहुत ही क्लासिक रचना अब की बार आपके लिए पेश की जा रही है, जहां पर मन्ना दा का क्लासिकल अंदाज है, हसरत जी की लिखाई, सुरजो भट्टाचार्य आपके लिए गाने के लिए तैयार हैं मन्ना डे की इस रचना को फिल्म मेरे हुजूर से। आइए सुनते हैं इस महफिल का एक और क्लासिक गीत आप सबके लिए। जनक तोरे बाजे पाए लिया, प्रीत के गीत सुनाए पाए लिया, जनक जनक तोरे बाजे पाए लिया। इंद्रधनुष का लोच कंवरिया
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लता जी के गाए हुए गीतों में अगर शंकर जयकिशन की रचनाओं का दौर आता है तो अक्सर ऐसा भी लगता है कि लता जी ने एक से बढ़कर एक मूड के कितने ही सारे गाने शंकर जयकिशन के संगीत में निर्देशन में गाए। अगर इसकी सूची बनाई जाए तो मूड के हिसाब से भी बन सकती है, रोमांटिक गीतों का मूड या फिर उनके कुछ बहुत ही प्यारे गीतों का मूड, या फिर हम कुछ सैड सॉन्ग का भी मूड उसमें डाल सकते हैं कि बिरहन के दिल से निकली हुई आवाज़ और लता जी के गाए हुए बेहतरीन गाने, इसकी भी अगर सूची हो तो हम जानते हैं कि ये शाम की तन्हाइयाँ, रसिक बलमा, तेरा जाना, दिल अपना प्रीत पराई, ओ बसंती पवन पागल, एहसान तेरा, या फिर बेदर्दी बालमा, ऐसे कई सारे एक ही मूड के गाने जो हैं वो हमें सुनाई देते हैं और लता जी ने बड़ी कल्पकता से उसे हम तक पहुँचाया। इसी श्रृंखला का अगला गाना आपके लिए हम जो पेश कर रहे हैं वो इसी श्रृंखला का है और इसी तरह के मूड का है, एक बिरहन के दिल की ये प्यारी सी पुकार, और ये है फिल्म आरजू से, हसरत जयपुरी की ये लिखाई, शैलजा सुब्रमण्यम आपके लिए गा रही हैं लता जी की गाई हुई इस रचना को फिल्म आरजू से, आइए सुनते हैं। अजी रूठ कर अब कहाँ
विविधताओं के धनी शंकर जयकिशन की खूबियों के बारे में हम सब लोग जान रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा निवेदन है जो ये कहता है कि भारतीय संगीत के इतिहास को अगर हम नजर डालते हैं तो 1950 से लेकर 70 का युग स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, और वो भी केवल संगीत की वजह से। इस युग में, इन वर्षों में जो है, इन 20 वर्षों में कई सारे संगीतकार और गीतकार आए जिन्होंने अपनी खूबियों से अपनी पहचान बनाई, लेकिन इन सब में भी अगर आज भी हम संगीतकारों की जोड़ियों में कोई अव्वल मानते हैं तो वो शंकर जयकिशन है, या फिर किसे संगीत सम्राट इस नाम से पुकारना चाहे तो वो नाम भी हमारे जुबान पर इतनी विविधताओं को अर्जित करने वाले शंकर जयकिशन का ही आता है। उस समय से लेकर आज तक ये नाम और इनकी रचनाएं हमारे दिलो दिमाग पर राज कर रही है, और यही वजह है कि अपनी संगीत की पहचान से हमारे दिलो दिमाग पर राज करने वाले शंकर जयकिशन जब भी सुनने को मिलते हैं उनका स्थान हमारे दिलों पर ही पाया जाता है। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर और इस संगीत को आगे बढ़ाने के हिसाब से, अगली पीढ़ी को सुनाने के हिसाब से काम करने के लिए आज यहाँ इस बड़े आयोजन का, इस बड़े शो का आयोजन किया गया है। इसके लिए श्री स्नेहल पटेल, श्री चिराग पटेल, श्री संजय कंथारिया, श्री दक्षेश त्रिवेदी और श्री केवर पटेल की ओर से नेक इरादे के साथ में शंकर जयकिशन फाउंडेशन की स्थापना की गई है। इस फाउंडेशन का काम इतना ही है कि हम शंकर जयकिशन के संगीत को आगे लाएं, उनकी मधुर यादों को, उनकी संगीत की सुरावली को जमाने के सामने पेश करें और उनकी रचनाएँ हमारे दिलो दिमाग पर गूंजती रहे। आप सब संगीत प्रेमी लोग ये जानते हैं कि जयकिशन साहब गुजरात के सपूत थे, लेकिन अफसोस की बात ये भी है कि विश्व प्रसिद्ध गुजराती संगीतकार को आज तक हमारे राज्य की उस सरकार द्वारा कुछ उनकी उतनी कदर नहीं की गई जितनी की जानी चाहिए थी। इस फाउंडेशन के द्वारा समाज के सभी अग्रणियों और संगीत प्रेमियों से हम गुजारिश करते हैं, मदद की कामना करते हैं कि इस संगीतकार का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ जुटें और इसका जो है वो प्रयत्न करें। हमारी ये विनंती है कि किसी भी प्रकार से आप इस महान कार्य में हमारा साथ देना चाहें तो हमसे संपर्क जरूर करें। ये निवेदन है शंकर जयकिशन फाउंडेशन की ओर से आप सबके लिए। तो आइए इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस महफिल खास में अगली पायदान पर आपके लिए शंकर जयकिशन की एक और खूबी को बयां करते हुए फिल्म झुक गया आसमान का ये टाइटल ट्रैक आपके लिए पेश करते हैं। हसरत जी की लिखाई, विश्वनाथ जी आपके लिए गाएंगे, मोहम्मद रफी साहब का गाया ये प्यारा सा गीत सुनते हैं। सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ।
कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो चुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया, ओ प्रिया ओ प्रिया जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है, जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है, इश्क रोशन है रोशन रहेगा रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है, कौन है जो सपनों में आया, जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया, ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया दोस्तों एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए पूरे ऑर्केस्ट्रेशन के लिए। जी हाँ, अरविंद जी के लिए भी पूरी जोरदार तालियां। इतने सारे कलाकारों को समेट कर वो इन गीतों को बड़ी बखूबी आप तक पहुंचा रहे हैं। जोरदार तालियां आप सबकी प्लीज। सज गई आज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें, सज गई आज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें, हुस्न जब से मेरा हो गया है, मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें, मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया, ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया जिस तरह हिंदुस्तानी लोक संगीत और राग रागिनियों के दौर से प्रभावित होकर शंकर जयकिशन ने अपनी कई सारी रचनाओं को हम तक पहुंचाया है, उसी तरह उन्होंने कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर काम करते हुए अलग अलग देशों के संगीत से प्रभावित होकर अपनी रचनाओं को हम तक पहुंचाया है। जैसे कि एन इवनिंग इन पेरिस के लिए उन्होंने फ्रेंच धुनों से प्रेरणा ली, चेकोस्लोवाकिया की धुनों से प्रभावित होकर उन्होंने जहां मैं जाती हूं जैसा गाना बनाया, बीटल्स से प्रभावित होकर उन्होंने तुमसे अच्छा कौन है जैसा गाना बनाया, स्पैनिश जुनों से प्रभावित होकर मुड़मुड़ के ना देख जैसा गीत उनके पास था, जापानी धुनों से प्रभावित होकर उन्होंने सायोनारा लव इन टोकियो जैसा गाना बनाया, उसी तरह सिंगापुर की धुनों से या फिर चीनी संगीत से, यहाँ तक कि यहूदी और हलाकों के लिए उन्होंने ईरानी संगीत से भी प्रेरणा होकर अपनी रचनाओं को बनाया। लेकिन हर बार शंकर जयकिशन ने हर एक रचना से प्रेरणा पाकर उसे एक खूबी से जमाने के सामने रखा है, और वो खूबी थी कि उन्होंने उसे हिंदुस्तानी टच देकर, हिंदुस्तानी सोच देकर जमाने के सामने रखा है, और यही वजह है कि इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद भी ये गीत पूरी तरह हमारे दिलो दिमाग पर राज करते हैं। एक ऐसी ही रचना अब की बार आप सुनने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है रात और दिन, मन्नादा और लता जी का गाया हुआ यह गीत, शैलेंद्र की लिखाई, सुरजो और सुप्रिया आपके लिए पेश कर रहे हैं।
और रशियन फोक यानी कि वॉल्स पर आधारित, जिस पर कई सारी रचनाएं जो हैं शंकर जयकिशन ने बनाई हैं, उसी में से ये प्यारा सा एक गाना है, बहुत प्यारा दो गाना है आप सबके लिए, आइए सुनते हैं। बैठो कोई गीत गाओ, दिल की गिरह खोल दो, चुप ना बैठो कोई गीत गाओ। तुम न हम तुम रहे अब, कुछ और ही हो गए अब, सपनों के खिलमिल नगर में चारे कहाँ खो गए अब। हम राह पूछे किसी से न, तुम अपनी मंजिल बताओ। खोल दो चुप ना बैठो कोई गीत गाओ। मुड़कर नहीं देखते हम, दिल ने कहा है चला चल। जो दूर पीछे कहीं रह गए अब उन्हें मत बुलाओ। शंकर जयकिशन की सफलता का नाम जब भी लिया जाएगा तब उसके साथ दो और नाम जुबां पर आएंगे, और वो नाम है उनके म्यूजिक अरेंजर के।
हमेशा बड़ी बड़ी सोच के साथ अपने योग्यता से या फिर अपने नाम के हिसाब से संगीत देने वाले शंकर जयकिशन की रचनाओं को भव्यता देने वाले इन दो नामों का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, जिनके बगैर शायद शंकर जयकिशन जो है वो अपनी सोच को जमाने के सामने इतनी खूबी से ना लाते पाते। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि शंकर जयकिशन अपनी धुनों को तो बखूबी जमाने तक पहुंचाने में कामयाब रहे, लेकिन उनके संगीत की भाषा को समझने का या फिर उसे लिखने का जो दौर था उनमें ये थोड़े से एक कदम पीछे थे। ऐसा भी सुना गया है कि बैकग्राउंड म्यूजिक जब बनाया जाता था तो उस वक्त जयकिशन जी पर्दे पर फिल्म देखते थे और ऐसे उंगलियों से कुछ गिनते थे। जैसा ही वो सीन खत्म होता था वो अपने उन्हीं उंगलियों पर गिने हुए उनके आंकड़ों से अपने असिस्टेंट जो है वो उनके म्यूजिक अरेंजर सेबेस्टियन को कुछ समझाते थे कि ऐसा आप बनाइए, और यकीन मानिए कि जैसे ही वो म्यूजिक वहां पर वो बनाते थे और उसको लिखा कर देते थे और वो लिखता था, उसे जब रिकॉर्ड किया जाता था तो वो सीन के साथ में परफेक्टली मैच होता था। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी, यही वजह है कि शंकर जयकिशन के इन गीतों में भव्यता है और इसका श्रेय जाता है उनके म्यूजिक अरेंजर, जी हाँ, सेबेस्टियन डिसूजा और दत्ताराम वाडकर के नाम, जिन्होंने उनकी कल्पनाओं को सही सलामत जमाने के सामने रखा है। कहा गया है कि रिहर्सल में भी शंकर जयकिशन बड़े पाबंद थे, बहुत खूबी से वो 100% काम करा लेते थे, और यही वजह है कि ये गीत जो है जिसे अब की बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं करीबन 36 घंटे की रिहर्सल के बाद पूरा किया गया और बना हिंदुस्तान का एक ऐसा इतिहास बनाने वाला गीत जहां पर शंकर जयकिशन की भव्यता को सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रेशन के साथ रिकॉर्ड किया गया। सुनते हैं फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से मुकेश जी और लता जी का गाया, शैलेंद्र का लिखा ये गाना, मुख्तार शाह साहब और शैलजा आपके लिए पेश कर रही हैं।
को पुकारे देश तेरा अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह के लाजवाब गीत सुनने के बाद लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ देर तक कुछ ना सुना जाए और ये मौका अब की बार आपको दिया जाता है। यहां पर लेते हैं हम एक छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक जो 20 मिनट तक चलेगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत किया जाता है इस महफिल खास में जिसका दूसरा शानदार हिस्सा शंकर जयकिशन की बेहतरीन यादों के साथ शुरू होने के लिए तैयार है। हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं राजपथ क्लब के प्रेसिडेंट श्री परेश भाई दानी, ऑनररी सेक्रेटरी श्री जे बी पटेल साहब, वाइस प्रेसिडेंट्स डॉक्टर विक्रम भाई शाह, ऑनरेबल जॉइंट सेक्रेटरी श्री भूपेंद्र भाई पटेल और समग्र बोर्ड मेंबर्स की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत किया जाता है। शंकर जयकिशन फाउंडेशन के श्री स्नेहल पटेल, श्री चिराग पटेल, श्री संजय कंथारिया, श्री दक्षेश त्रिवेदी और श्री केवर पटेल की ओर से भी आपका हार्दिक स्वागत है। और प्रसंग की ओर से केवर पटेल साहब की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। शंकर जयकिशन की यादों का ये सिलसिला इसका दूसरा शानदार हिस्सा आपके लिए शुरू होने जा रहा है। पहली रचना विश्वनाथ आपके लिए पेश करने के लिए तैयार हैं। फिल्म का नाम है सूरज। इस महफिल में आप सबका स्वागत करते हुए हसरत जयपुरी की इस लिखाई को, रफी साहब की इस आवाज को फिल्म सूरज से आपके लिए पेश किया जाता है। बहारों फूल बरसा मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसा मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं राग निगाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी
लगाए ने गोरे हाथों में उतर आए घटा का जल लगाए ने प्यारे आँखों में सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया नजारों हर तरफ अफतान दो एक नूर की चादर बड़ा शर्मीला दिलवर है चला जाए ना शर्मा कर जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है बहुत बहुत शुक्रिया योगेश माहेश्वरी साहब आपके इस कमिटमेंट के लिए और अगली रचना लोक संगीत पर आधारित आप सबके लिए यहाँ पर पेश की जा रही है फिल्म का नाम है तीसरी कसम आशा जी का गाया हुआ ये नगमा शैलेंद्र की ये लिखाई शैलजा आप सबके लिए पेश करने के लिए तैयार हैं इस दूसरे हिस्से में ये पहला गाना आइए सुनते हैं आप सबके लिए फिल्म तीसरी कसम से Oh,
शंकर जयकिशन की खूबियों में एक और खास बात बताने जैसी है, वो है उनके टाइटल ट्रैक, उनके शीर्षक गीत। खास मेहनत लेते हुए शंकर जयकिशन नजर आते हैं जब उनके शीर्षक गीत सुनाई देते हैं। शायद ऐसी सोच रही होगी शंकर जयकिशन की कि फिल्म का गाना जब आता है और वो उनका पहला इंप्रेशन होता है तो यही सबसे बेहतर होना चाहिए, और शायद यही वजह है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए इस दौर में वो दिखाई दिए। 1959 से 1964 तक शंकर जयकिशन ने करीबन 35 फिल्मों को संगीत दिया, जिनमें से उन्होंने 25 फिल्मों के टाइटल ट्रैक बनाए थे, और उनमें भी कुछ कुछ फिल्मों के तो दो दो टाइटल ट्रैक भी थे। ये शंकर जयकिशन का शीर्षक गीतों का प्यार है, और उसी में से एक आपके लिए पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम दिल तेरा दीवाना, शैलेंद्र की लिखाई, विश्वनाथ और सुप्रिया जी आपके लिए पेश कर रहे हैं इस बेहतरीन गीत को आप सबके लिए। खुद बिजली से डर गए, हम सादगी पे आपकी लीला हम गए। जीवन में एक बार खुद हो जाता है प्यार,
दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, हाँ जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, ओ मोहब्बत की कसम, 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 मोहब्बत की कसम। आर के फिल्म से शुरू हुआ शंकर जयकिशन के संगीत में जीवन का आरंभ, और फिर उसके बाद 1949 में बरसात, 51 में आवारा, 53 में आह, 53 में ही बुट पॉलिश, 55 में श्री 420, 60 में जिस देश में गंगा बहती है, 64 में संगम, 70 में मेरा नाम जोकर, और 71 में कल आज और कल। ये उन फिल्मों के नाम हैं जिसे शंकर जयकिशन ने आर के लिए बनाया, लेकिन इन सब में एक विविधता फिल्म की कहानी के हिसाब से शंकर जयकिशन ने अपनी रचनाओं में रखी है, और यही वजह है कि इन तमाम फिल्मों का संगीत आज इन फिल्मों की पहचान है। अब की बार इन्हीं में से एक यानी कि 1964 की संगम से ये रचना आपके लिए पेश की जा रही है। लता जी और मुकेश जी का गाया हुआ ये गाना शैलेंद्र की लिखाई है, जिसे मुख्तार शाह साहब और शैलजा जी आपके लिए पेश कर रही हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगम से एक और दो गाना आप सबके लिए इस महफिल खास में। कहते हैं स्व प्रेरणा से उठाया हुआ आपका कदम आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है, और यही अब की बार मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। जी हाँ, अपने नगर की सुरावली क्लब के पदाधिकारी श्री दक्षेश त्रिवेदी, श्री नीरज पाठक और श्री सौरीन जर्मनवाला, इन सब लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम की टेक्निकल और संगीत की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए इसे बेहतरीन बनाने का प्रयास किया। आप सब लोगों ने इसे पसंद किया,
ये सब आपके तालियों के हकदार। इस कार्यक्रम की नींव रखने में, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इन सब के शिरमूर समान हमारे संजय जी कंथारिया साहब ने जो योगदान दिया है उसकी पहली नींव से, वो भी सराहनीय है। जोरदार तालियां आप सबकी उनके लिए जिन्होंने इस कार्यक्रम की नींव रखी और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबकी मदद की। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए फिल्म प्रोफेसर के एक दो गाने को आपके लिए पेश करते हैं। रफी साहब और लता जी का गाया हुआ ये दो गाना शैलेंद्र की लिखाई, सुप्रिया और विश्वनाथ आपके लिए पेश कर रहे हैं। और इस गीत में जो रफी साहब का टोन रिकॉर्ड हुआ है बहुत जबरदस्त है, आइए सुनते हैं। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमां, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। सजदे में हुस्न के आँखों से दूर दिल से न जाओगे मेरे हुजूर, जादू निगाहों का छाया सुरूर, ऐसे में बहके तो किसका कसूर। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमां, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमां, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। कुछ गायकों के नाम मैं अपनी जुबान से ले जा रहा हूं जिन्हें जनमानस तक पहुंचाने में शंकर जयकिशन की धुनों ने बड़ा काम किया। पहला नाम तलत महमूद की आवाज जो मास ऑडियंस तक पहुंची है तो शंकर जयकिशन की धुनों से, और दूसरा नाम है मन्ना दा जो कि शुरुआत के दौर में धार्मिक गीत या क्लासिकल बेस के गीत या पौराणिक फिल्मों के गीत गाने में ही माहिर थे,
लेकिन दौर वो भी आया कि जब 50 के दौर में 51 में आवारा के गीत गाने के लिए मन्ना दा की आवाज को रेकमेंड किया, राज कपूर को उसे मंजूर किया और एक राज कपूर के लिए आइडियल प्लेबैक सिंगर के रूप में मन्ना दा को जमाने के सामने उतारा और फिर जो सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद कई सारे गाने राज कपूर के लिए जो है शंकर जयकिशन के निर्देशन में मन्ना दा ने गाए। वैसे उन सारी खूबियों को आंखों के सामने रखकर ये अगली रचना जो एक बहुत ही प्यारा सा दोगाना है आपके लिए हमने चुना है। फिल्म का नाम है चोरी चोरी। मन्ना दा और लता जी का गाया हुआ ये गीत शैलेंद्र की लिखाई है, सुरजो और शैलजा जी इसे आपके लिए पेश करने के लिए तैयार है। आइए सुनते हैं फिल्म चोरी चोरी से ये प्यारा सा दोगाना। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा।
ये रात भीगी भीगी ये मस्त सिदाए उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा क्यों आग सी लगा के तुम सुन है चांदनी सोने भी नहीं देता मौसम का इशारा ये रात भीगी भीगी ये मस्त सिदाए धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। शंकर जयकिशन के संगीत में दौर को अगर हम आंखों के सामने लाते हैं तो कई सारी फिल्मों के नाम हमारे आंखों के सामने ये कहकर आते हैं कि ये फिल्म म्यूजिकल हिट फिल्म है। म्यूजिकल हिट फिल्म किसे कहते हैं? जी हाँ, जिस फिल्म का एक दो तीन नहीं बल्कि सारे के सारे गाने एक दूसरे से इतने बेहतर है कि ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें से सबसे अच्छी रचना कौन सी है। और ऐसे कई सारे फिल्मों के नाम जुबां पर आते हैं जब भी शंकर जयकिशन का नाम हमारे जुबां पर आता है। उनकी सफलताओं को आपके सामने पेश करते हुए शंकर जयकिशन की इन यादों के सफर से चुनकर अब की बार जो फिल्म हमने चुनी है आप सबके मनोरंजन के लिए, जिसका एक गाना हम आपके लिए पेश करेंगे, उस फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर। अब आप तय करिए कि कौन सा गाना होगा। हम आपके लिए पेश कर रहे हैं दिल एक मंदिर के 8 गीतों में से एक बहुत ही प्यारा सा गाना, लता जी की गाई हुई रचना, शैलेंद्र की लिखाई और सुप्रिया आपके लिए पेश करने के लिए तैयार, फिल्म दिल एक मंदिर से। I'm not afraid.
किसी भी संगीतकार को जीनियस कब कहा जाता है? उसके संगीत में तीन खूबियों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली तो उसकी रचनाएं उसकी ओन क्रिएशन हो, किसी से प्रेरित होकर या प्रेरणा पाकर ना हो, वो उसकी खुद की हो। दूसरी बात, उसकी रचनाओं में वक्त को अपने वश में करने की ताकत हो। अगर जीवन के किसी भी मोड़ पर वो आपको उतना ही आनंद देती है, कभी भी आप उसे सुने तो आप वो उसको उतना ही आनंद देती है, या पहली बार या फिर 100 बार सुनने पर भी आपको उतना ही आनंद मिलता है, तो समझ लेना चाहिए ये कोई साधारण सी रचना नहीं। और तीसरी खूबी उस संगीतकार की ये होनी चाहिए कि उसकी रचनाओं में इतनी विविधता होनी चाहिए कि उन विविधताओं के संग वो हर बार एक नए आविष्कार के जरिए आपके सामने आए। शंकर जयकिशन के रूप में अगर देखा जाए तो इन तीनों जगह पर उनके क्रिएशन, उनके टाइमलेस ये सारे गाने और साथ ही साथ उनमें आने वाली विविधता इस बात का सबूत देती है कि शंकर जयकिशन किस तरह जीनियस संगीतकार थे और क्यों हम आज भी उन्हें अव्वल मानते हैं। अब की बार आप सबके लिए इस महफिल खास में ऐसी ही एक बेहतरीन रचना को पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी। रफी साहब की आवाज, हसरत जी की लिखाई और विश्वनाथ आपके लिए पेश करेंगे इस गीत को, जो भी एक क्लासिक सॉन्ग है शंकर जयकिशन के बैंक का। झरोखे में तुझको बैठा कर, यादों को तेरे मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरे जाओ दास। दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर, यादों को तेरे मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरे जाओ दास। लेकिन महक मेरे सांसों में होगी, कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी, फूलों की टोली में होगी तू रुक सक, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरे में दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरे जाओदा।
ठुकरा दे चाहे मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा। आंखों में रहती है तस्वीर तेरी, सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा। आंखों में रहती है तस्वीर तेरी, सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर देखो तेरे मैं दुल्हन बना कर रखूंगा। मैं दिल के पास अब हो मेरे रामदास, दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर देखो तेरे मैं दुल्हन बना कर रखूंगा। मैं दिल के पास अब हो मेरे रामदास। आपकी मांग जायज है लेकिन वक्त हमें इसकी परमिशन नहीं दे रहा है। हम चाहेंगे कि एक ही फूल को बार बार सूंघने से अच्छा है दूसरे मोड़ पर जो एक और है उसे भी आप सूंघ के देखिए, उसमें भी उतनी ही खुशबू है। अब की बार यहां पर शंकर जयकिशन की विविधताओं को अर्जित करते हुए हम ये भी कहना चाहते हैं कि शंकर जयकिशन जहां पर राज कपूर के लिए सीधी सरल धुनें बनाते हैं, वहीं पर शम्मी कपूर के लिए वो थोड़े से हावी होते हुए नजर आते हैं। जहां अलग रिदम के साथ वो राजेंद्र कुमार के लिए गाना देते हैं, वहीं देवानंद की स्टाइल में आया हुआ गाना भी हमारे दिलों को भा जाता है। हर बार एक विविधता से वो हर एक किरदार को और उस हीरो की इमेज को बखूबी हम तक पहुंचाते हैं और यही वजह है कि ये गाने सदियों तक हमारे दिलो दिमाग पर राज करते हैं। अगली पायदान पर आप सबके लिए एक ऐसा ही गाना हम पेश कर रहे हैं जहाँ पर शंकर जयकिशन न केवल उनकी रचनाओं से जाने जाते हैं बल्कि इस गीत का जो म्यूजिक अरेंजमेंट है वो भी इतना कमाल का है कि संगीत से पेरिस के नज़ारे कैसे दिखाए जाते हैं ये पता चलता है। जी हाँ, अपने म्यूजिक से पेरिस के नज़ारों को दिखाया है शंकर जयकिशन ने। आशा जी और रफी साहब का गाया हुआ ये गीत, शैलेंद्र की लिखाई, फिल्म का नाम एन इवनिंग इन पेरिस। आइए सुनते हैं। सुनी वालों को हंसकर जगाना भी है ना
रात के हम सफर थक गए तो चले घूमने आ रहे हैं सुबह प्यार की देख कर जाम भर कर दिए आंखों आंखों से जो मैंने तुमने पिए होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं और क्या ला रही है सुबह प्यार की रात चले घूमते प्यार की प्यार की प्यार की। आमतौर पर सफलता पाना आसान है लेकिन लगातार सफलता पाना मुश्किल है। आमतौर पर ऊंचाइयों पर सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ना शायद आसान है लेकिन वहां पर इतने वर्षों तक बरकरार रहना मुश्किल है। आमतौर पर एक युग को अपने नाम लिखना भी आसान है लेकिन आज भी इतने वर्षों बाद भी लोग ये कहें कि शंकर जयकिशन अव्वल है ये मुश्किल है और यही शंकर जयकिशन की खूबियों का दौर है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये रचना रह गई वो शायद सुनाते तो अच्छा होता ये भी अगर आ जाती तो और भी अच्छा होता क्योंकि खूबियाँ इतनी हैं और हर एक की अपनी अपनी चॉइस है इसलिए ये सब कुछ करना बड़ा मुश्किल है कि शंकर जयकिशन को 25 गीतों में बांधा जाए। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर एक मेडले बनाया है जिसमें कुछ गीतों को एक साथ जोड़ा है ताकि शायद आपके दिल में जो गीत बसा है वो हमसे यहाँ से आप तक पहुँचे। कुछ गीतों की झलकियों के रूप में इन गीतों को आप तक पहुंचाया जा रहा है। आइए सुनते हैं मोस्ट पॉपुलर शंकर जयकिशन मेडले। Thank you.
ये जिंदगी की महफिल महफिल में हम अकेले दामन को कोई चूमे जुल्फों से कोई खेले आजा रे आ जरा लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा आजा रे आ जरा लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा आजा रे आ अपना सुलगना किसको दिखाऊं सांस के तूफान कैसे छुपाऊं अपना सुलगना किसको दिखाऊं सांस के तूफान कैसे छुपाऊं आंखें क्या क्या देख रही है दिल पे जो गुजरे कैसे बताना आजा रे लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा आजा रे आ जरा लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा आजा रे आ जरा लहरा के आ जरा आजा रे आ जरा लहरा के आ जरा दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा एतबार ना रहा दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा जिंदगी हमें तेरा एक बार ना रहा एक बार ना रहा अमानत में प्यार की गया था जिसको सौंप कर वो मेरे दोस्त तुम ही तो थे जो जिंदगी की राह में बने थे मेरे हम सफर वो मेरे दोस्त तुम ही तो थे सारे भेद खुल गए रागदार ना रहा जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा एतबार ना रहा दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा एतबार ना रहा एतबार ना रहा एतबार ना रहा
गीत गाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ मैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए सदा मुस्कुराता हूँ मैं। मौसम मस्त महीना, चांद गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुँह पे पसीना। याला याला जिंदगी गई, याला याला जिंदगी गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के। याला याला दिल ले गया, याला याला सड़क नीम तले, तीर नजर खूब चले। हम भी इधर जख्मी हुए, तुम भी उधर जख्मी हुए। लाल चुनरिया चाल निराली, सर पे झूमर कान में बाली, हाथ में चूड़ियां मोतियों वाली। याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। कोई याला याला दिल
की तालियों का थैंक यू। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इंदौर में 31 मार्च 2012 के पहले बिग डे इवेंट और प्रसंग के साथ इन दोनों के साथ जो है इसी शो को इतने भी बड़े पैमाने पर पेश किया जाने वाला है। वैसे ही एक प्यारी सी खुशखबरी आप सबके लिए भी है, जिन्होंने इसे मिस किया है उनके लिए है और जो इसका मजा चख चुके हैं उनके लिए भी है। जी हाँ, यही शो इसी रंगमंच से इसी जगह से राजपथ और प्रसंग के द्वारा मई 2012 में फिर एक बार किया जाएगा। शुक्रिया। तो आइए शंकर जयकिशन की इन खूबियों के दौर को हम सब लोगों ने आपके लिए पेश किया, आपके सामने पेश किया, आप सब लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। कोई कहता है कि शंकर जयकिशन का ऑर्केस्ट्रेशन अच्छा है, कोई कहता है मुखड़े से अच्छा बेहतर उनका अंतरा है, कोई कहता है क्लासिकल धुने, कोई टाइटल सॉन्ग, कोई लता जी, कोई मुकेश जी, कोई रफी साहब के गीतों का दीवाना है, कोई लोक संगीत से प्रभावित है, किसी को राज कपूर की सिंप्लिसिटी शंकर जयकिशन के संगीत में बहुत ज़्यादा भाई है, तो कोई बैकग्राउंड म्यूजिक का दीवाना है। हर एक स्तर पर ऐसे कई सारे अंदाज है जहां पर शंकर जयकिशन ने अपने आप को साबित किया है। अपनी पहली फिल्म से वो आए और दुनिया पर छाते ही चले गए। ऐसी ही खूबियों के साथ आज के इस संगीत में प्रवाह में इस अंतिम दौर में हम आपके लिए शंकर जयकिशन के कला जीवन पर आधारित ये गाना आपके लिए पेश करते हैं, जो थीम सॉन्ग है राज कपूर के जीवन का भी। सुनते हैं मुकेश जी की आवाज में ये रचना
जिसे शैलेंद्र ने पहले मुखड़े के रूप में लिखा और शैली शैलेंद्र ने इसे पूरा किया उनके बेटे ने आप सबके लिए। जीना यहाँ मरना यहाँ किसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ किसके सिवा जाना कहाँ। जीता है जब हमको आवाज दो, हम हैं वही हम हैं जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ किसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा, ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने में रूपिया रूप बदल फिर आएगा, स्वर्ग यही नर्क यहाँ किसके सिवा जाना कहाँ। जीता है जब हमको आवाज दो, हम हैं वही हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ किसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, कल खेल में हम हो न हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे यहीं अपने निशान किसके सिवा जाना कहाँ। जीता है जब हमको आवाज दो, हम हैं वही हम हैं जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ किसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ के सिवा जाना कहाँ। आप सबका थैंक यू, शुक्रिया अदा किया जाता है राजपथ क्लब के प्रेसिडेंट श्री परेश भाई दानी, ऑनररी सेक्रेटरी जी जे बी पटेल, वाइस प्रेसिडेंट श्री विक्रम भाई शाह, ऑनररी जॉइंट सेक्रेटरी श्री भूपेंद्र भाई पटेल और समग्र बोर्ड मेंबर्स राजपथ क्लब के, शंकर जयकिशन फाउंडेशन की ओर से आपका शुक्रिया अदा किया जाता है। श्री स्नेहल पटेल, श्री चिराग पटेल, श्री संजय जी कंथारिया, श्री दक्षेश त्रिवेदी, श्री केवूर पटेल की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रसंग की ओर से श्री केवूर पटेल आपका धन्यवाद देते हैं। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि ना यहाँ रूप ना सिंगार अमर रहता है, ना धनी ना धन का भंडार अमर रहता है, एक दिन मरना ही है यहाँ सबको, लेकिन कला के साथ कलाकार अमर रहता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा राजपथ क्लब को, उससे भी ज़्यादा शुक्रिया अदा आप सबकी
दिल में बसे हुए शंकर जयकिशन के प्यार को जिंदगी के किसी हसीन पोड़ पर फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, अपना ख्याल रखिएगा।